भी नहीं जाना है एजुकेशनल ट्रिप में। लेकिन ऐसा क्यों विवान? बुलंद किले की यात्रा तो बहुत ही रोचक रहेगी। इतिहास के बारे में तुम्हें नई नई जानकारियां मिलेंगी। लेकिन बालपरी, मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, और अगर मैं ट्रिप पे गया तो मेरी बालवीर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? हाँ, उसके लिए तो सीनियर बालवीर है ना। अनन्या दीदी, आप भी। विवान, उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि तुम्हारी स्कूल की परीक्षाएं पास आ रही हैं, तो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। हाँ विवान, तुम घूमने जाओ, परीक्षा की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे महाराजा, पता नहीं आजकल आपको ये नए नए शौक का चस्का कहाँ से लग जाता है। मेरा मतलब है, ये है क्या? ये जादुई छवि यंत्र है, तौबा तौबा। अरे ये महाराजा, सोचो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर निकालता है ये यंत्र। राजा, मेरी भी एक तस्वीर खींचे ना। मजा लेने ही नहीं देते। विवान, मैं क्यों करूंगा परियों से तुम्हारी शिकायत? अरे विवान, मैं तो तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, घूमने का मौका दे रहा हूँ, पढ़ाई करने का मौका दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, और मुझे तो धन्यवाद बोलना चाहिए। थैंक्स, और हिस्ट्री ट्रिप के लिए हाँ, नो थैंक्स। और देखो भैया, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, कटी। अरे विवान, 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 रुको। अगर तुम परीक्षा की तैयारी नहीं करोगे। भैया आपने रहने ही दो, आप जो बोलोगे वो मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और आप बड़े हो, आप छोड़ ही दो। अरे विवान, ये भैमार के हाथ में ये कौन सा यंत्र है? परियो, ये कौन सा यंत्र है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भैमार। अगर तुम परियों के जादुई चित्र के साथ साथ बालवीरों का भी चित्र ले आते तो मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। जो बिगड़ गया उसे बदला नहीं जा सकता। जिस बारे में कुछ कर नहीं सकते, उस बारे में बात करके समय व्यर्थ करने की जरूरत है नहीं। हाँ फेरारी, फटे हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसका पनीर बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था कि इस जादुई छवि से ऐसा क्या कमाल करने वाली है आप? वीर-लोक की मुसीबत को यहां पर क्यों लेकर आई? ये मुसीबत नहीं है तौबा तौबा,
बल्कि वीर लोक के अंत की शुरुआत है। बच्चे लोग, ये है बुलंद किला द्वार। अच्छा है ना? आज हम यही देखेंगे। आ जाओ, कम ऑन इन। चल विवान। क्या हुआ विवान? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू हिस्ट्री ट्रिप में नहीं 14 साल के वनवास में आया है। दीदी, वनवास बिना इस हिस्ट्री ट्रिप से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, घर बनाना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, शिकार करना होता है। लेकिन यहाँ हिस्ट्री ट्रिप में बस पास्ट की बोरिंग बातें सुनो। विवान, अंदर चल के तो देख, शायद कुछ एक्साइटिंग हो। चल चल। आओ बच्चों, आ जाओ सब, संभाल के आना, संभाल के आराम से। सर, शायद सेल्फी लेने के लिए गिरे होंगे। यू गॉट इट राइट, सेल्फी ले रहे। आइए आइए सर, आइए बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे अरे सर, आ जाओ। वैसे विवान, मैं एक बात बोलूं? क्या दीदी? तो इस ट्रिप पे बोर नहीं होगा। कैसे? क्योंकि पाथोर सर के साथ कब क्या दुर्घटना घट जाए किसी को नहीं पता। वो इतना एक्सीडेंट प्रोन है कि उन्हीं से तेरा एडवेंचर हो जाएगा। यू आर राइट दीदी। सो चल, अब बोर मत हो और ट्रिप एंजॉय कर। खुशी आई। शौर्य, ये कैसा यंत्र है? ये तो कोई छाया चित्र निकालने का यंत्र लगता है। ये केवल एक यंत्र नहीं है बालवीर, ये एक तरह का गुप्त हथियार है। ये और एक गुप्त हथियार। लेकिन इस हथियार की मदद से ऐसा कौन सा आक्रमण किया है हम पर तिमनासा ने, जिसका असर अभी तक दिख भी नहीं रहा? बालपरी, क्या हो रहा है? पता नहीं। रियो, मां, माँ, ये क्या हो रहा है आपको? ये क्या हो रहा है? ये हमारे हेयर क्यों व्हाइट हो रहे हैं? अरे ओ, ये आप सबके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? शौर्य, परियां तो कभी वृद्ध नहीं होती है, कहीं ये तिमनासा का आक्रमण तो नहीं है? इसका अर्थ ये है कि तिमनासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। अब जैसे जैसे परियों की छवि इस रेत के नीचे दबती जाएगी, वैसे ही वहां उन
असली परियों की उम्र हर एक पहर में 1000 साल तक बढ़ती चली जाएगी। है? इसका मतलब परियां 2 पहर में 2000 साल बूढ़ी हो जाएगी और उनकी शक्तियां कमजोर होती जाएगी। हाँ, और जब रेत घड़ी का नीचे का हिस्सा पूरा भर जाएगा तब परियां उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो आम इंसान की तरह हो जाएंगी, बूढ़ी। शौर्य, समय रेत के असर को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उपाय है और उस उपाय का नाम है गुरु ज्ञानी। बच्चे लोग, इस किले का थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं। मेनी इयर्स बैक इस किले में एक गुरु ज्ञानी थे और उन्हें हर टॉपिक का नॉलेज था, जैसे स्पेस, मैथ, फिलोसफी, ज्योग्राफी। रिंकू, हमें पता है तुम्हारा नाम तो रिंकू ज्ञानी होना चाहिए लेकिन इस ट्रिप पे टीचर मैं हूँ। ओके, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, सॉरी गाइस। तो बच्चों, गुरु ज्ञानी के पास एक ऐसा सीक्रेट नॉलेज था जिसे अगर कोई गलत आदमी सीख लेता तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर हो सकता था। तो गुरु ज्ञानी के इस सीक्रेट नॉलेज को कोई उनसे छीनना चाहता था। कौन सर? महाबली, गुरु ज्ञानी ने अपने इस शिष्य को अपनी सारी विद्याएं सिखाई थी, केवल एक विद्या छोड़ के। वो कौन सा सीक्रेट नॉलेज था पार्थो सर, जो गुरु ज्ञानी महाबली को नहीं सिखाना चाहते थे? वो सीक्रेट नॉलेज था कभी बूढ़ा न होने की विद्या। Cool. उस विद्या को सीख के महाबली हमेशा के लिए यंग एंड पावरफुल रहना चाहता था, बट गुरु ज्ञानी को डर था कि कहीं उनका ये स्टूडेंट महाबली उस ज्ञान का, उस विद्या का गलत इस्तेमाल न करे। जब महाबली को वो सीक्रेट नॉलेज नहीं मिला तब उसने क्या किया? उसने एक अनथिंकेबल काम किया, महाबली ने अपने ही गुरु पे अटैक कर दिया और पूरे 1 महीने तक उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई चली। 1 महीने तक? लेकिन शौर्य, मैंने तो सुना था कि गुरु ज्ञानी के पास अपने शत्रुओं के मन के विचार पढ़ने की शक्ति थी, तो फिर 1 महीने तक वो महाबली के साथ क्यों लड़ते रहे? क्योंकि उनका शिष्य महाबली बहुत ही चतुर था। उसने गुरु ज्ञानी के मन को पढ़ने वाली शक्ति का सामना करने के लिए एक विशेष कवच बना लिया था, जिसे पहनने के बाद गुरु ज्ञानी की शक्तियां उसके ऊपर काम नहीं कर सकती थी। तो बच्चे लोग, ये है वही मुकुट। वाओ। नो सर, सर ये वो मुकुट नहीं है, ये उसकी कॉपी है। असली मुकुट तो महाबली के साथ जमीन में धस गया था सर। आई नो रोमाकांतो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम रोमाकांतो नहीं है, रमाकांत है। बंगला में रमाकांतो ही होता है। बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ एक्सप्लोर करो, इसके बाद फिर लाइब्रेरी आना, वहां गुरु ज्ञानी और महाबली के बारे में लिखी हुई बहुत सारी किताबें। ओके सर। सुतली, वो देख। गुरु ज्ञानी ने अपना सारा ज्ञान एक किताब में लिखा था और महाबली उस किताब को अपने गुरु से छीनना चाहता था ताकि वो हमेशा युवा और शक्तिशाली रहने का रहस्य सीख सके। तो आखिरकार इस 1 महीने लंबी युद्ध का नतीजा क्या निकला? गुरु ज्ञानी ने खुद को और महाबली को समाधि में लीन कर लिया और साथ में बुलंद किले को भी जमीन में आधा धसा दिया ताकि उनका ज्ञान गलत हाथों में न पड़ जाए। बालवीर, तुम्हें परियों की मदद करने के लिए गुरु ज्ञानी को समाधि से जागृत करना होगा।
लेकिन कैसे शौर्य? क्या है शौर्य? इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। जिसके बाद मैं उनसे समय रेत का तोड़ लूंगा और माँ और परियों को ठीक कर दूंगा। लेकिन इस जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके रक्षा कवच को वीरलोक के जादू से नहीं भेदा जा सकेगा। चिंता मत कीजिए शौर्य, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य में सफल होकर लौटूं। अपना ध्यान रखना बालवीर। एक बार ये परियां बूढ़ी और कमजोर हो जाएं, तो उसके बाद वीर लोक की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। फरारी, आपको क्या लगता है कि बालवीर चुपचाप बैठा रहेगा और आपके खाली पुलाव को पकने देगा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो भैमार, तुम जाकर पता करो कि उस बालवीर ने शौर्य के साथ मिलकर मेरे इस जादू को तोड़ने का क्या तोड़ निकाला है। चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर के हर तोड़ को मैं तोड़ के रख दूंगा। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो बेमार, क्योंकि तुम किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। लेकिन मैं अपने छोटे पैरों से इतनी लंबी यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब ये है कि भैरानी, अभी बालवीर कहाँ है ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा ना, है ना भैराजा? इस काले धुएं के पीछे जाओ, क्योंकि ये काला धुआं तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां पर बालवीर है। धरती के नीचे दबे इस किले में गुरु ज्ञानी की समाधि को ढूंढना होगा।
मेरी कमर, अरे टूट गई हड्डियां, पुर्जे पुर्जे हिल गए सारे। भराजा, मैं क्या कहता हूँ, रात को थोड़ी मालिश मिलिश कर देंगे क्या? मेरी कमर टूट गई। बकवास बंद करो वरना गर्दन की हड्डी भी तोड़ दूंगा। मैं ठीक हूँ। मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। ऐसा विचित्र यंत्र है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।